नमस्कार, समाचार सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूँ रंगीला 2.0 का आवाज में। आप देख रहे हैं रंगीला 2.0 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। ये जो लोकेशन देख रहे हैं घोरघट गनगनिया के बीच का है, NH-80 और रेलवे ट्रैक के दक्षिण साइड, जो कि न्यू 4 लाइन अप्रोच रोड का काम चल रहा है। यह मनी नदी है जो कि पानी सिंचाई का काम में आता है। मनी नदी के ऊपर ओवर ब्रिज बनेगा, यानी मनी नदी के ऊपर से जो हाईवे 4 लाइन गुजरेगी तो इसके ऊपर पुल रहेगा, यानी 30-40 फीट ऊंचा। हालांकि हमारे संवाददाता और कई सूत्रों से ये भी पता चला है कि रेलवे ट्रैक से हाईवे काफ़ी ऊंचा बनेगा। यहाँ पर सुल्तानगंज अकबर नगर से लेकर बरियारपुर रतनपुर तक ये जो देख रहे क्षेत्र है, ये बाढ़ प्रभावित इलाका क्षेत्र है। बाढ़ के मद्देनजर रखते हुए इस न्यू 4 लाइन अप्रोच रोड का काम हो रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर जो पुल बनेगा उसका पाइलिंग होगा, यानी पुल का जो बेस तैयार होगा उसके नीचे पाइलिंग का काम होगा। पाया बना बना कर नीचे जमीन के अंदर डालेगा। वो कितना डालेगा अभी तो कन्फर्म नहीं है, बताएंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसके डालने से ये होता है कि पुल का जो बेस होता है वो मजबूत रहेगा। कितना भी भारी वजन वेटदार ट्रक आएगी तो कितना भी झटका लगेगा तो इस रोड को, इस पुल को दबने में बचाएगा। इस वक्त बरियारपुर से लेकर सुल्तानगंज अकबर नगर न्यू 4 लाइन पर जितने भी छोटे बड़े पुल पुलिया के काम जो है वो काफ़ी जोर शोर से चल रही है, एकदम रफ्तार में। इसमें कोई कमी नहीं है, बम्फर चलेगा। लेकिन यहाँ जो हाईवे है घोरघट हॉल्ट से लेकर गनगनिया के बीच, यहाँ पे थोड़ा सा टर्निंग है। इसके नक्शा के मुताबिक से ठीक होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इसको जब हाईवे बनाना था तो बरियारपुर से सीधा इस गनगनिया के बीच नक्शा मिलाता, एकदम सीधा 90 डिग्री के कोण बनना चाहिए। हाईवे का मतलब यही होता है कि ट्रैफिक काफ़ी होने पर हाईवे की निर्माण होती है, साथ में उसके माध्यम से जो ट्रैफिक सोर्स का नियम कानून जो पालन होता है वो भी लगाया जाएगा। देखिए, हाईवे के ऊपर स्पीड का भी लिमिट रहता है, जहाँ स्पीड ज़्यादा चलाना रहता है ट्रैफिक कम मिलेगा तो वहाँ स्पीड बढ़ जाएगा, वो लिखा हुआ रहता है। हम आए हैं बलिया तरफ से, तो उस रूट का कुछ जानकारी है जिसके माध्यम से अब तक देने के प्रयास करेंगे। उस रूट में स्पीड लिमिट था कि इसके अंदर जाने पर आप इतना स्पीड नहीं चला सकते। अगर उस सेंसर को पता चल जाएगा तो वो फाइन मार देगा। और ये भी बात है कि हाईवे या एक्सप्रेस हाईवे, कोई हाईवे हो उसके ऊपर जो सेंसर लगा रहता है, अगर ड्राइवर बात करेगा तो वो भी पता चल जाता है, उसको भी फाइन लग जाता है बात करने वाला के ऊपर।